औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरा नाम नवाबज़ादा फरीद सलाहुद्दीन है, मैं MP हूँ PK 33 उगी से। अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम की अदालत में जीत के आए हैं और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन ने अभी जो नेक्स्ट तारीख दी है उसमें भी इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। हमें पूरा एतमाद है अपनी अदालतों पर, इलेक्शन कमीशन पर। इंशाल्लाह ताला हम जो है यहाँ से भी जो है हमारे हक में फैसला आएगा। और इनका जो केस है उसमें कोई भी ठोस चीज़ कुछ भी नहीं है, बेसलेस एलिगेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। और बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, एक बात अर्ज करूं, जो सुने एक ये जो आज वो कैप्टन साहब के कैंडिडेट थे उनके साथ खड़े थे मुस्लिम लीग नून के, ना तो इन्हीं पे जी कुछ अरसा पहले इन्हीं पे इन्होंने इल्जाम लगाया था और वो था वो 22 करोड़ रुपए का। और कल इसकी तारीख है, कल पिशावर में इसकी तारीख है जी, उस पर नैब में उस पर जो गवाह है जी मलिक मुस्तफ़ा है जी उस पर गवाह है। और इन्होंने कहा था जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा, और इसी तरह इन्होंने कहा था कि मैं सईद वाजिद अली शाह का जो है ना जी इसको मैं घसीटूंगा, और इसने 22 करोड़ रुपये हड़प की है यानी लेटरिनों का। आज उसी को टिकट दिया जी और झूठ से इल्ज़ाम लगा दिया कि यार जी हमारे साथ धांधली हो गई। क्या अगर आप मानसेरा में बाकी 3 सीटें जीते वहाँ पर कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे आप हार गए हैं और अपने ससुराल में सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि यार जी मेरे साथ धांधली हुई है, हालांकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है जी, ये बिल्कुल झूठ है, कोई वो नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा दूसरी बात, ये जहाँ हल्के में जाता है ना जी वहाँ पे 2 चादरें होती है, तो जब हल्के से बाहर आता है तो फिर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ड्रामाबाजी के लिए जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह। बात सुनिए जी, चलो ठीक है।